गुड मॉर्निंग टू ऑल. द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन. देयर आर सम रिमेनिंग टॉपिक्स जस्ट लाइक रिलेशंस बिटवीन द स्ट्रीम्स फंक्शन एंड वेलोसिटी फंक्शन एंड फ्लो नेट एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द numericals on velocity potential function. Before discuss about the relation between the stream and velocity function, we will discuss the topic of property of stream functions. There are some property of stream functions. On any stream line, psi is constant everywhere. Psi equal to constant represent the family of streamlines. Psi जो है आपकी जो value है वो streamlines की को show करता है, ठीक है. Second property ये होती है इसकी कि if the flow is continuous, the flow around any path in the fluid is zero. Third property, the rate of change of psi with distance in any arbitrary direction is proportional to the component of velocity normal to that direction, ठीक है, ये है. And fourth one is the algebraic sum of stream functions for any two incompressible flow pattern is the stream functions for the flow resulting from the superimposition of these patterns. तो डेल साई वन अपॉन डेल एस प्लस डेल साई टू अपॉन डेल एस इक्वल टू अपन टू स्ट्रीम फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर. तो देयर आर टू स्ट्रीम लाइंस फॉर टू इनकम्प्रेसिबल फ्लो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो. दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशंस कंडीशन ये है कि यहाँ पर हम बात करें तो जो पोटेंशियल फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो के अंदर. हाँ, इरोटेशनल फ्लो मतलब ओमेगा एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो भी है आपका वो क्या होगा, जीरो होगा. द स्ट्रीम फंक्शन साई अप्लाइज टू बोथ द रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो. इन द केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो बोथ द स्ट्रीम फंक्शंस एंड वेलोसिटी फंक्शन satisfy Laplace equation. So the irrotational incompressible flow की हम बात करें तो इसके लिए हम पहले ही एक फॉर्मूला जैसे देख चुके हैं वो ये है कि u velocity component equal to क्या था, minus del phi by del x. ये जो दोनों के लिए वैल्यू है ये u की वैल्यू जो है इक्वल टू डेल साय अपॉन डेल y, ठीक है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया इक्वेशन है इरोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए. जो यहाँ पर ये रिलेशन शो हुआ है ना, ये रिलेशन यहाँ पर शो हुआ है कि स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन तो ये हो गया और स्ट्रीम फंक्शन ये हो गया, इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है वेलोसिटी का, ठीक है. तो देयर आर रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन विद द वेलोसिटी, ठीक है. और यदि हम बात करें यू, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है. और यदि हम वाई डायरेक्शन की बात करें, जो वाई डायरेक्शन के जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल साय, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेल साय अपॉन डेल एक्स, सॉरी ये डेल वाई है यहाँ पर, डेल वाई, डेल साय बाय डेल वाई इक्वल टू डेल साय बाय डेल, डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल टू डेल वाई डेल साय बाय डेल एक्स, ठीक है. ये इसकी वैल्यू यहाँ पर तो बी के लिए और यू के लिए यहाँ पर तैयार होती है, ठीक है. इस तरह से रिलेशंस है हाइड्रोडायनेमिकली. देयर आर सम टाइम्स कॉल्ड, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कॉची रैमन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है. एंड
we are discussing the टॉपिक ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन. इसी के चलते हम आगे इसी में हम इसका रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं कि स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के लिए क्या रिलेशन है. तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज दैट डिफरेंस ऑफ इट्स वैल्यू एट टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट द फ्लो अक्रॉस एनी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट. दस इफ टू लाई ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन देन देयर बींग नो फ्लो अक्रॉस ए स्ट्रीम लाइन द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन साई वन एंड साई टू इक्वल टू जीरो. दिस मीन्स द स्ट्रीम लाइन इज गिवन बाय कॉन्स्टेंट. ठीक है भाई, स्ट्रीम लाइन्स इज गिवन बाय कॉन्स्टेंट. तो इसको हम यहाँ पर तैयार करते हैं कि साई की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई, रिलेशन निकाल रहे हैं. तो सिमिलरली फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट अ कॉस ए केस ऑफ विच फॉर विच द वेलोसिटी पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड हैंस इट रिप्रेजेंट्स एन इक्विपोटेंशियल लाइन. ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन. फॉर टू कर्व की बात करें, दो कर्व ले रहे हैं जिसमें हम एक तो हमारा हो गया फाई कॉन्स्टेंट है, दूसरा साई कॉन्स्टेंट है. इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट एनी पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द स्लोप आर. अब यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो स्लोप होगा फॉर द कर्व साई के लिए, हम बात करें फाई के लिए, फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. ठीक है, देखो एक मिनट दोबारा आपको दिखाता हूँ मैं. यहाँ पर है फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स या डेल वाई बाई डेल एक्स. ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास डेल वाई बाय डेल एक्स की, वो कहाँ से आ गई यहाँ पर? वो ये आ गया ना वही फंक्शन जो आपके पास दे रखा है, इसमें डेल फाई बाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू ये जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू होती है माइनस यू, और इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था ये वही वैल्यू यहाँ पर है. ठीक है, तो हम बात करें इसकी, तो कर्व जो है आपके पास फाई मतलब पोटेंशियल फंक्शन के लिए जो फाई की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो ये आपके यहाँ पर निकल के आती है. ठीक है, तो इस तरह से हम ये वैल्यूज यहाँ पर ले सकते हैं. फोर कर्व साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साई के लिए भी हम ये वैल्यू रख देंगे. ठीक है, और इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर साई के लिए भी यहाँ आ जाएगी. ठीक है, ये लास्ट निकाल चुके हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेल साई वाई डेल एक्स की वैल्यू होती है माइनस की भी, और डेल साई वाई डेल वाई अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पूरा दोनों इक्वेशन लिखी थी वही इक्वेशन है. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दीज कर्व, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन. तो ये क्या शो करती है, जो वैल्यू जो माइनस वन आई है ये शो करती है कि दीज टू सेट्स ऑफ कर्व स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली एट ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी चीज़ यहाँ पर शो करती है. नेक्स्ट हम बात करें कि फ्लो नेट क्या होता है. फ्लो नेट एक तरीके से आपका स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हैं उनका एक जाल होता है, नेट होता है, सीरीज होती है. ए ग्रिड ऑब्टेंड बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस इज नॉन एज फ्लो नेट. जस्ट लाइक हम बात करें एक डायग्राम के अंदर, तो डायग्राम में इस तरह का होता है कि आपका फ्लो नेट तैयार होता है. ठीक है, मान लो जैसे कि हमने हाइड्रोलिकली भी मॉडल तैयार कर दिया, ये मॉडल है, ये पाइप है, इसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पर, और ये लाइंस इस तरह से दी हुई है कि ये आपकी होगी पोटेंशियल लाइंस और ये हो जाएगी स्ट्रीम लाइंस. ठीक है, ये स्ट्रीम लाइंस यहाँ पर हो गई है. ठीक है, तो पोटेंशियल लाइन के साथ फिर कुछ लाइंस जो होती है, जब ये तो पोटेंशियल हो गई, ये स्ट्रीम लाइंस हो जाएंगी इसके, तो इस तरीके से जाल सा बन जाता है, ये ग्रिड बन जाता है इसका पूरा. ठीक है, तो ए ग्रिड ऑब्टेंड बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज नॉन एज फ्लो नेट. द फ्लो नेट प्रोवाइड ए
सिंपल ग्राफिकल टेक्निक फॉर स्टडिंग टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो स्पेशली इन द केसेस वेयर मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी फंक्शंस आर आइदर नॉट अवेलेबल और आर रैदर डिफिकल्ट एंड कम्बरसम टू सॉल्व। ठीक है, ये फ्लोनेट आपका यहाँ पर बन के आता है। फ्लोनेट के जो ड्राइंग करने के मेथड है, मेथड ऑफ ड्राइंग फॉर फ्लोनेट, वो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, वो क्या है कि एनालिटिकल मेथड, द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कर्व फाय एंड साय आर द फर्स्ट ऑब्टेंड एंड द सेम आर प्लॉटेड टू गिव फ्लोनेट पैटर्न फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूड बिटवीन द गिवन बाउंड्री सेट। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स विद सिंपल एंड आइडियल बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की हम बात करें तो ये ग्राफिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स सच दैट दे कट ऑर्थोगोनली एंड फॉर्म कर्वलिनियर स्क्वायर्स। दिस मेथड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिक्वायर लॉट ऑफ lot of erasing to get the proper shape of a flow net। ठीक है, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग मेथड। इलेक्ट्रिकल एनालॉग मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज प्रैक्टिकली मेथड ड्राइंग ए फ्लो नेट फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्रीज। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फ्लो ऑफ फ्लूड एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर आर एनालॉगियस टू दीज सिस्टम्स आर सिमिलर इन द रेस्पेक्ट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनालॉगियस टू द वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिकल करंट इज एनालॉगियस टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड होमोजीनियस कंडक्टर इज एनालॉगियस टू द होमोजीनियस फ्लूड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे निकल के आते हैं फ्लोनेट से रिलेटेड। और अब फाइनली हमको इसका यूज और देखना है कि यूज ऑफ फ्लोनेट क्या है यहाँ पर। सम यूजेज एंड लिमिटेशंस आर, तो सब पहला यूज जो है इसका फ्लोनेट का वो क्या है, स्ट्रीम लाइन्स एंड पोटेंशियल लाइन को डिटरमाइन करना है ना, स्ट्रीम लाइन्स और पोटेंशियल लाइन को डिटरमाइन करना। और सेकंड यूज जो है फ्लोनेट का वो क्या है कि टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सीपेज एंड अपवर्ड लिफ्ट प्रेशर बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो सीपेज और अपवर्ड लिफ्ट जो है उस पर प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं यहाँ से हम। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो प्रेशर हम यहाँ लगता है, जो भी प्रेशर लगता है उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लोनेट का यूज करते हैं। थर्ड वन इज टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन बाउंड्री ऑफ फ्लो। फॉर गिवन बाउंड्री ऑफ फ्लो द प्रोवाइडेड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेशर एट एनी रेफरेंस सेक्शन आर नॉन टू डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ आउटलेट फॉर दियर स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स की डिजाइन हमको इसमें डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, और लिमिटेशंस इसकी क्या हैं, लिमिटेशंस हैं कि द फ्लो नेट एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री वेयर द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इन केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड पास्ट ए सॉलिड बॉडी वाइल द फ्लो नेट गिव्स ए फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फ्लो पैटर्न फॉर द अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ सॉलिड बॉडी इट कैन गिव लिटिल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द फ्लो कंडीशन एट द रियर बिकॉज ऑफ द सेपरेशन एंड ईडीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। अब फाइनली हम इसके अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल ये कहता है कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन ए फ्लूड फ्लो आर गिवन बाय, यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2xy और v दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सो दैट द फ्लो इज पॉसिबल। ड्राइव द रिलेशन स्ट्रीम फंक्शन, ड्राइव द रिलेशन स्ट्रीम
फंक्शन। अब u की वैल्यू है 2xy और v की वैल्यू है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि शो दैट द फ्लो इज पॉसिबल, तो u है तो डेल u बाई डेल x की हम बात करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया 2y हो गया भाई, सीधी सी बात है यार, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ये आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा ये गया है कि ये तो शो करना है कि पॉसिबल है क्या फ्लो, और दूसरा रिलेटिव स्ट्रीम फंक्शन ड्राइव करना है, दो चीज़ आपको ड्राइव करनी है। तो इसके लिए जो कंडीशंस है पॉसिबल फ्लो की, वो तो हमको पता ही है कि क्या कंडीशन है भाई। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो कंडीशन होती है, वो ये होती है कि देयर आर डेल डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू कहाँ चला गया डेल यू बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई, ये रही कंडीशंस आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे कि जो हमारे पास v और u की वैल्यू दे रखी है ना, x और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हैं उनको डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो भैया डेल u बाई डेल x की ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डेल वी वाई का निकाल देंगे यहाँ से, है ना, यू का। अब इन दोनों कंडीशन को ऐड करेंगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो कंडीशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएगी। भैया इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो की कंडीशन है, ठीक है। तो हम यदि जीरो आता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल फ्लो है। स्ट्रीम फंक्शन साइज रिलेटेड टू यू एंड वी, अब स्ट्रीम फंक्शन निकालना है इसका। तो हमको एक चीज़ मालूम है क्या, कि u की वैल्यू जहाँ दे रखी है 2xy और वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन में स्ट्रीम फंक्शन का क्या होता है, u इक्वल टू होता है डेल साई बाई डेल y, ये वैल्यू होती है। अब इसको निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि यहाँ से साई और ये डी डेल y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो साई की वैल्यू के साथ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास फाइनली ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये तैयार हो गई, ठीक है, इस तरह से ये निकल के आता है। नेक्स्ट एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल और है छोटा सा, ये भी देख लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शंस कैलकुलेट द वेलोसिटी एट ए पॉइंट 1, 2, साई इक्वल टू 3xy और y की वैल्यू हम बात करें तो 3x2y माइनस y क्यूब है यहाँ पर, ये कुछ वैल्यूज दी हुई है, ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। तो u क्या है, u है 3x की वैल्यू, सॉरी नहीं साई की वैल्यू दे रखी है 3xy, ठीक है ना। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फार्मूला तो ये अपन को पता है, ये दोनों फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में बिल्कुल जस्ट u और v की वैल्यू साई और फाई के टर्म में जो लिखी थी वो वैल्यू यहाँ पर काम आ रही है, ठीक है। तो डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू 3x और v की वैल्यू ये हो गई। अब एट पॉइंट 1, 2 में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ठीक है। ये 1, 2 में, तो 1 का मतलब x और 2 का मतलब y डायरेक्शन में है, ठीक है। जो वैल्यूज पुट कर लो, u की वैल्यू आ गई 1, इसमें यदि हम मैं v की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये 6 यहाँ पर ये निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करें तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी इन x एंड y डायरेक्शन कंपोनेंट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 55 यूनिट्स आ जाएगी। और सेकेंड वन इज यू y, y की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है 3x2y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन निकालना है अपन को पता है, ठीक है। तो स्ट्रीम फंक्शन जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमको ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये है इतनी सी, ये साई नहीं है यहाँ पर, वैल्यू कुछ दी हुई है इन्होंने, ठीक है, ये साई ही है, मतलब ये यहाँ पर गड़बड़ है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, ऊपर ये यहाँ पर साई आएगा, है ना, तो साई आएगा ना, तो अपने को पता है कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो साई के टर्म में होती है वो डेल साई बाई डेल वाई होता है, ठीक है। तो साई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ना इसका,
वाई के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा वैल्यू निकल के वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इधर चले जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू 1.2 जो एक्स और वाई की वैल्यू अपने इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास निकल के आती है। सो थैंक यू आज के लिए, इतना ही।